हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, अगर आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन अगर आप लोग को दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। हम लोग शुरू करेंगे द हिंदू के सेशन को। आज डेट है 2 मई 2023 और आज की द हिंदू न्यूज प्लस द हिंदू के एडिटोरियल को हम लोग जो है वो कवर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स लाइव सेशन जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग हमारी एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। छासर अकेडमी फॉर IAS एप्लीकेशन का नाम है और ये हमारा नंबर है 9713283811। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं 11 बजे से लेकर 7 बजे तक, मंडे टू सैटरडे। जो भी अगर आपको क्वेरी जो है वो पूछनी है रिगार्डिंग कोर्सेस या रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है आपकी, तो चलिए बिना समय को जो है वो वेस्ट किए हम लोग अपने सेशन को जो है वो शुरू करते हैं द हिंदू के। तो देखिये, GST रेवेन्यू जो है उसमें हम लोग को 1.87 लाख करोड़ रुपीज का कलेक्शन जो है वो देखने को मिला है। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जिसको इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग जो है वो कवर करेंगे। फिर इसके अलावा सेंटर ने जो है वो बैन कर दिए हैं 14 मोबाइल एप्लीकेशन जम्मू एंड कश्मीर में। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कंसल्टेशन इन द फाइनल स्टेज, अच्छा हम लोग को ये देखने को मिल रहा है एडिटोरियल का है, ये बेसिकली गवर्नर से रिलेटेड टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। और सेडिशन का भी जो है वो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेडिशन के बारे में डिटेल में मैं आपको अलग से कुछ नोट्स जो है वो लिखवाऊंगा। फिर डेथ ऑफ अनदर नेहरूवियन आइडिया, ट्रेसिंग द ओरिजिन एंड एंड ऑफ विज्ञान प्रसर, तो इसके बारे में ओपिनियन का ये टॉपिक है, ये हमारे लिए जो है वो काम करनी है वैसे। फिर ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज हमारे लिए जो है वो काम करनी है। अब फ्रंट पेज की न्यूज में ये एक न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, इसमें आर्टिकल 142 है। क्या होता है आर्टिकल 142? किसी को पता है आर्टिकल 142 के बारे में? तो देखिए, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो आर्टिकल 142 का मतलब, जब सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिसीजन लेती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स जाकर डिसीजन लेती है, मतलब कि देखो कोर्ट्स जो होते हैं वो किस आधार पर जो है वो जजमेंट देते हैं? कोर्ट्स लॉ बुक के आधार पर, CRPC IPC इन सब के आधार पर जजमेंट देते हैं, है ना। कोर्ट में जजमेंट इन्हीं आधार पर होता है। बट मैं आपको क्लियर कर दूं ये वाली बात कि आर्टिकल 142 जो है वो कहता है कि कोर्ट जो है वो नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करा सकती है, यानी कि कहीं पर भी कानून में अगर कोई चीज ना लिखी भी हो तो भी कोर्ट जो है वो नेचुरल जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करा सकती है अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए। अब देखिए, जैसे कि डिवोर्स के केसेस होते हैं, डिवोर्स के केसेस में आपको पता होगा कि 6 महीने से लेकर 18 महीने तक, मैक्सिमम 18 महीने तक हम लोग को देखने को मिल सकता है कि पति और पत्नी को साथ में रहने के लिए जो है वो कोर्ट कह सकती है कि साथ में रहो। आपको पता होगा कि डिवोर्स के केस में जो है वो काउंसलिंग वगैरह भी होती है कि जिससे कि उनकी शादी ना टूटे, तो थोड़ा समय जो है वो दिया जाता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो है ये चीज कही है कि ये डिवोर्स में जो वेटिंग पीरियड जो होता है उसको कैंसिल भी जो है वो कर सकती है अगर ऐसी कुछ चीज शादी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है जो कि इररिवर्सिबल है, कि आप उस चीज को चेंज ही नहीं कर सकते, उस चीज पर सुधार हो ही नहीं सकता। जब कुछ ऐसी वजह आ जाती है तो उस समय पर डिवोर्स को जो है वो तुरंत करवाया जा सकता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये चीजें इसमें आपको मेनली आर्टिकल 142 पता होना चाहिए, ये चीज थी मेन। फिर बिहार के बाद अब ओडिशा के अंदर भी ओबीसी कास्ट से रिलेटेड सर्वे हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आप देखेंगे आर्टिकल 44 हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो उसमें भी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो नजर आएगा। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे कि मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हमारी कंट्री के अंदर रिलीजियस लॉस चलते हैं? क्या हमारी कंट्री के अंदर रिलीजियस लॉस चलते हैं? रविंद्र, जूम की आवश्यकता नहीं क्योंकि इतना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं कि मैं जूम करके आपको पढ़ाऊं। मैं जो चीज बोल रहा हूँ उस चीज पर ध्यान दो बस, क्योंकि जूम की जब आवश्यकता होगी मैं खुद जूम कर दूंगा। अभी इसमें क्या जूम करूं, ये क्या पढ़ोगे मिनिस्टर के बारे में? तो जो चीज बोल रहा हूं वो सुनो। देखो, क्या हमारी कंट्री के अंदर रिलीजियस लॉस चलते हैं? तो अगर आपने आंसर लिखा है नहीं, रिलीजियस लॉ नहीं चलते, तो आपका आंसर है गलत। रिलीजियस लॉ चलते हैं भैया, शादी से रिलेटेड। आपने नहीं सुना क्या, शरीयत लॉ, हिंदू लॉ, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज लॉ एक्ट, हिंदू सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सुना है कि नहीं सुना? भाई प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर की जाती है पेरेंट्स से बच्चों को, तो उसके लिए तो ये रिलीजियस लॉज रहते हैं, रहते ही नहीं रहते इंडिया के अंदर? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि ये जितने भी रिलीजियस लॉज हैं, मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के सक्सेशन से रिलेटेड, सबको खत्म कर दो।
और सबको खत्म करने के बाद सिर्फ एक ही जो है वो कानून जो है वो होना चाहिए जो सभी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 के अंदर ही हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर? क्या कोई सी ऐसी स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है? तो यस है, और उस स्टेट का नाम है गोवा। ये 50 बार पढ़ा चुका हूं, ये चीज याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना 80% से जो है वो ज्यादा है। फिर ये टॉपिक हम लगातार देख ही रहे हैं कि रेसलर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट? किस चीज से रिलेटेड प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड, तो ये चीज आप जानते ही हो। केजरीवाल जी जो है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्लान लेकर आई है, तो ये पेज 2 में इसके बारे में जो है वो ऑलरेडी जिक्र हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? केजरीवाल जी से रिलेटेड कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्लान जो है वो लाने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि 2016 से 2022 के पीरियड में, 2016 टू 2022 के पीरियड में जो है वो 30% जो है वो गिरावट हम लोग को एयर पॉल्यूशन में जो है वो देखने को मिली है। एनीवेज अभी कुछ नए प्लान आएंगे जिसमें हम लोग को एंटी स्मॉग गन्स देखने को मिलेगी, स्प्रिंकलर्स देखने को मिलेंगे, तब हम इसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी ये न्यूज हमारे लिए जो है वो काम की नहीं है, इस पेज में जो न्यूज है, राइट, रिपीटेड न्यूज भी है और काम की न्यूज नहीं होती। ये पॉलिटिकल न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है थर्ड पेज के अंदर। ये लुधियाना के अंदर एक गैस जो है वो लीक हुई थी, उसमें बताया जा रहा है कि 5 मेंबर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो लगाई गई है, राइट? लुधियाना याद है ना आपको, कल ही हमने इस टॉपिक के बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि एक गैस जो है वो लीक हुई थी। कोई मुझे बता सकता है कि कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी? कल मैंने आपको बताया था कौन सी गैस जो है वो लुधियाना के अंदर लीक हुई है, किसी को याद है? कल ही इस टॉपिक को हमने जो है वो कवर किया था। अभी देखो ये बताया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड, बट ऐसा कोई सॉलिड ट्रेस अभी तक जो है वो मिला नहीं है, उस पर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आएगी तब उस पर हम लोग बात करेंगे। ग्रोसरी स्टोर जो है उसके अंदर ये गैस लीक हुई थी, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी। फिर बाकी कुछ खास इस पर्टिकुलर पेज में न्यूज नहीं है काम की। देखो एक ये फोटो आई है, ओबीदोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये आसाम में है। तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा, काफी सारे लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। जिन्होंने भी आसाम आंसर दिया है वो आंसर करेक्ट है, और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें पूरा स्केड्यूल वगैरह आ जाता है कि क्या क्या चीजें करनी क्या नहीं करनी, ठीक है? बाकी ये न्यूज हमारे लिए काम की नहीं है। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं। ये पॉलिटिकल न्यूज वगैरह हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है? इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कहा है कि जो भी कानून हम लोग को देखने को मिलता है क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है वो इलीगल नहीं है। राइट? क्योंकि आर्टिकल 25 जो है वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति के पास पूर्णतः अधिकार है, पूरा अधिकार है अपने रिलीजन को प्रमोट करने का, प्रोपोगेट करने का, उसका प्रचार करने का, है ना? तो रिलीजन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट। चलिए रिवाइज करते हैं, फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हम लोग को देखने को मिलती है, बताइए जल्दी आंसर। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, 35 तक फंडामेंटल राइट है। किस पार्ट के अंदर फंडामेंटल राइट आती है? पार्ट 3 के अंदर आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट। 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, राइट 23-24 एक्सप्लॉयटेशन, है ना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और 25 से 28 रिलीजन, राइट, और फिर इसके अलावा 29 और 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना, फिर 31 और 31 ABC हम लोग को देखने को मिला था, वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की गई है यूनियन गवर्नमेंट को, DPSP को, तो जिसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था हमारे पॉलिटी के टॉपिक में, और 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज हम लोग को देखने को मिलती थी। ये बिल्कुल ये ऐसी चीजें हैं, ये बिल्कुल आपको फिंगर टिप में जो है वो याद रहनी चाहिए यार। मैं 500 बार आपको इस चीज के बारे में हालांकि पढ़ा चुका हूँ, आप हमारे पॉलिटी के स्टूडेंट है, GS के स्टूडेंट है, तो ये चीज याद हो चुकी होगी आपको, और अभी तक याद नहीं हुई तो याद कर लो, राइट? बिल्कुल ये ऐसी चीज है, फिंगर टिप पे रटी रहनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, ठीक है? बाकी ये सब न्यूज हम लोग के लिए काम की नहीं है। देखो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व बताइए, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व
ओडिशा में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहाँ पर एक मेलेनिस्टिक टाइगर जो है उसकी मृत्यु जो है वो हो गई है, व्हाइट कलर वाले टाइगर जो हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। यली न्यूज हमारे लिए है वो काम की नहीं है, पॉलिटिकल है और फालतू न्यूज है, एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काम की नहीं है। एग्जाम में ये थोड़ा पूछेंगे कि रहमान जी का शो जो है वो किसने बंद करवाया। आगे की बात करते हैं पॉलिटिकल न्यूज। हालांकि अब से मैंने सोच के रखा है, मैंने पता किया था कि अपन वो क्लिप्स जो है वो डाल सकते हैं, मतलब अभी कल स्टूडेंट एक पूछ रही थी मुझसे कि सर न्यूज़पेपर डाल दीजिए तो उसमें क्या कॉपीराइट आ जाता है पीडीएफ में, बट क्लिप्स अपन डाल सकते हैं, उसको मैं हाईलाइट जो कर देता हूँ, मतलब मॉडिफाई हो गया है एजुकेशनल पर्पज के लिए, तो उसको मैं आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया करूंगा, जिससे कि एक बार उसको खुद से रीड भी कर लिया करो। ठीक है, आ जाओ एडिटोरियल की तरफ हम लोग चलते हैं। एडिटोरियल तो हाईलाइट किया था, कहाँ चला गया इसका हाईलाइट वर्जन? मैंने आपको हाईलाइट भेजा हुआ है ना टेलीग्राम पर। हाँ, मेरे टेलीग्राम पर हाईलाइट कॉपी आई है, यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कॉपी नहीं आई, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इशू हो गया होगा। एनीवेज, चलिए मैं आप लोग को इस एडिटोरियल के बारे में एक जनरल जो है वो जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। आपको याद आ रहा होगा हमने एक पर्टिकुलर टॉपिक को जो है वो कुछ दिनों पहले जो है वो कवर किया था, कुबरनेटोरियल, कुबरनेटोरियल कुछ याद आ रहा है? जो जो चीजें बताते जा रहा हूँ ना वो सुनना, कुबरनेटोरियल। मैं सोचता हूँ इसमें डाल देता हूँ, क्या बोलते हैं अपने नोट्स वाली जगह पर, तो जिससे कि आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम एडिटोरियल को जो है वो कवर कर रहे हैं, इसमें मेन चीज जो है देखो एडिटोरियल का अपना वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पंक्चुअलिटी। देखो तमिलनाडु ने जो है वो एक कानून पास किया, एक रेजोल्यूशन, ये टॉपिक पुराना है, तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन जिसको हमने ऑलरेडी कवर किया था, तमिलनाडु ने एक रेजोल्यूशन पास किया। अब ये रेजोल्यूशन किससे रिलेटेड था? वो इससे रिलेटेड था कि भैया गवर्नर गवर्नर एक्ट करे बिल्स पर, कि गवर्नर शुड एक्ट, क्योंकि हो ही रहा था। देखो तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भेज रही है कहां पर? अच्छा, तमिलनाडु में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मैंने आप लोग को पढ़ाया हो, बताओ तमिलनाडु के अंदर क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, तमिलनाडु में कहां है? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, राइट? मैं आपको बताता हूं, बिहार हो गया, बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र हो गया, और यूनाइटेड प्रोविंस यूपी हम लोग को देखने को मिलता है। ये तीन तो हैं, मैंने आपको याद जो है वो करवाया था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश थी, और आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना आ गया, तीन चार पांच ही हम लोग को देखने को मिल रही है, और जो है वो कौन सी बच गई? कर्नाटक, और कर्नाटक हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? तो कहां से तमिलनाडु के अंदर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई? भैया ये सब बिल्कुल छोटी चीजें हैं, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे कि एक कोई बिल जो है वो पास करती है, तो बिल पास होगा तो किसके पास जाएगा? गवर्नर के पास। किसके लिए? एसेंट के लिए, भैया इसको कानून जो है वो बना दो, आप एसेंट देंगे अपना, है ना, एसेंट देकर कानून जो है वो बना दो। अब हो ये रहा है कि गवर्नर बिल को अपने पास रख लेते हैं और उस पर कोई जवाब नहीं देते, तो इसी को लेकर ये रेजोल्यूशन जो है वो लाया गया कि भैया गवर्नर साहब आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको ये चीज जो है वो करनी है, क्योंकि इसमें आर्टिकल में बताया गया कि 13 बिल्स ऐसे थे जिसको जिस पर गवर्नर कोई जवाब ही नहीं दे रहा, ये कौन सी बात है?
तो 10 अप्रैल 2023 को तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को कहा कि भैया गवर्नर को एडवाइस करिए कि गवर्नर जो है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड वो बिल को जो है वो पास करवाए। तो ये पहली चीज तो इस आर्टिकल ने हम लोग को जो है वो बताई। आपको एक आर्टिकल मैंने कवर जो है वो करवाया था जिसका नाम था, आप ये वर्ड जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था आपको कि कुछ वर्ड्स वगैरह ऐसे होते हैं जो अगर आ रहे हैं न्यूज में तो उस पर एक अच्छी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए। तो आपको याद रहा होगा वी हैव डिस्कस अबाउट गुबरनेटोरियल, इसका मतलब होता है गवर्नर के फंक्शंस क्या होंगे, राइट, कार्य गुबरनेटोरियल, ठीक है। अब देखिए गवर्नर जो है इसमें जैसे कि आप सजेशन में लिखेंगे गवर्नर जो है उसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो बिल्स को रोकना नहीं चाहिए, राइट। पहला पॉइंट, गवर्नर को इनडेफिनेट पीरियड के लिए बिल्स को रोकना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूशनल पंक्चुअलिटी का वो सिर्फ गवर्नर के हाथ तक सीमित जो है वो नहीं होना चाहिए। जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल हाई ऑफिसेज हैं जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ असेंबली, इनको जो है वो सुओ मोटो गाइडलाइंस इवॉल्व करनी चाहिए। अब इसमें सुओ मोटो का मतलब क्या है, खुद से स्वयं से जो है वो ये गाइडलाइंस जो है वो बनाए तैयार करें और मतलब बिजनेस को, हाउस के बिजनेस को जो है वो स्मूथली चलाने का कार्य करें, राइट। तो ये इनका जो है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो कोई भी टाइम लिमिट जो है वो फिक्स नहीं की गई थी कि कौन कौन जो है वो कब कब ये चीज जो है वो करेगा, राइट। इसके अलावा आपको शायद आर्टिकल 200 के बारे में बताओ, आर्टिकल 200 ये क्या बताता है, ये कुछ पावर जो है वो देता है गवर्नर को कि गवर्नर जो है जैसे कि बिल्स पर एसेंट दे देंगे या तो उस बिल को जो है वो रिटर्न कर देंगे, राइट। और इस टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ा चुका हूँ, अभी हमने पॉलिटी के लेक्चर में इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा हुआ था। और क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं कि भैया मैं प्रेसिडेंट चार्टर से पूछ के बताऊंगा, या बड़े पापा से, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि प्रेसिडेंट बड़े पापा से पूछ के बताएंगे कि भाई बिल को पास करवाना है कि नहीं करवाना है। सो दीज आर द पावर्स विद गवर्नर। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंड, गवर्नर के पास बिल आता है, गवर्नर जी उस बिल को अपने पास रखे रहते हैं। अब इस चीज को अपन बोलते हैं पॉकेट वीटो, उस चीज को बोलते हैं पॉकेट वीटो। एक्चुअल में पॉकेट वीटो इज फॉर प्रेसिडेंट, नॉट फॉर गवर्नर। प्रेसिडेंट जो है वो या तो एसेंट दे दे या तो उसको रिटर्न कर दे कंसिडरेशन के लिए हाउस को, या प्रेसिडेंट के लिए जो है वो रख ले प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इवन हम लोग को ये भी चीज जो है वो देखने को मिली, बी आर अम्बेडकर साहब ने भी ये चीज बोला था कि गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिशन पर काम नहीं करना चाहिए। तो आप बी आर अम्बेडकर साहब का ये स्टेटमेंट भी जो है वो डाल सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर साहब भी इससे इन सब चीजों के सख्त खिलाफ थे कि डिस्क्रिशन जो है वो गवर्नर का नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इवन कई बार कोर्ट ने भी, जैसे कि 7 जज की बेंच हम लोग को सुप्रीम कोर्ट की देखने को मिली, शमशेर सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस था 1974 का, उसमें भी कहा गया कि गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है, यानी स्वयं की उसकी कुछ पावर्स होती हैं जिसको वो यूज करते हैं, वो लिमिटेड होनी चाहिए, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऐसी चीज के बारे में जो है बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एडवाइस पर गवर्नर जो है वो ऑपरेट करना चाहिए, राइट। जैसे कि आपको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। और ये जो एड एंड एडवाइस वाली जो चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो है वो इसको फाउंडेशन जो है वो कर दिया था, 44th के थ्रू ही किया था ना, मैंने इसको आपको पढ़ाया कि 42nd, एक बार कन्फर्म कर लेना अपने नोट्स में जाकर, जहां तक मुझे याद आ रहा है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हम लोग को देखने को मिला आर्टिकल 352। ये वाला फैक्ट तो बिल्कुल क्लियर है मुझे, आर्टिकल 352 जो है वो, उसको भी जो है वो अमेंड किया गया था, कैबिनेट शब्द का जो है वो उपयोग जो है वो किया गया था, और बाइंडिंग जो है वो एक्सरसाइज है वो कर दी गई थी इसी की, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो जो हेडेड है प्राइम मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनके हेड है प्राइम मिनिस्टर, ये एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली जो है वो कार्य करना पड़ेगा। तो ये चीज एक कानून के थ्रू आ गई थी जिसको पॉलिटी में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ था। बट स्टेट के लिए ऐसा कुछ अभी तक नहीं है गवर्नर के लिए, गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें चीजों को, बट सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है उस चीज के बारे में जो है वो कह चुकी है। यूके के अंदर भी 1708 के बाद से इस प्रकार की कोई भी चीज हम लोग को नहीं देखने को मिली कि कोई भी हम लोग को वीटो पावर जो क्वीन ने जो है वो यूज की हो या जो रॉयल अथॉरिटी ने जो है वो यूज की हो, तो ऐसी कोई चीज हम लोग को नहीं देखने को मिली। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी हम लोग को ऐसा कुछ सिनेरियो जो है वो नहीं देखने को मिला।
और कई बार कोर्ट ने इसके बारे में जो है वो चर्चाएं करी है कि भाई ऐसा नहीं करना है इस तरीके की चीजें, राइट। तो बस ये था एक छोटा सा टॉपिक, उसमें कुछ खास था नहीं। इसमें इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 200 यूबरनेटोरियल, ये वर्ड, और क्या चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि जैसे कि ये भी, जैसे कि मैंने भी आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बारे में बताया कि एड और एडवाइस जो है प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग है, वैसे ही गवर्नर के लिए हालांकि नहीं, और कोई भी टाइम लिमिट जो है वो गवर्नर के लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। तो सिर्फ इतनी सी चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, ये जो नीचे वाला आर्टिकल है ये हमारे लिए काम का नहीं, हालांकि एक आईएएस ने, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने आर्टिकल जो है वो लिखा हुआ है, सत्यजीत रे के ऊपर बेस्ड ये आर्टिकल है, ये हमारे लिए काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ये जो पूरा आर्टिकल आपको जो नजर आ रहा है ये पॉलिटिक्स के अंदर जो क्रिमिनलाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है, आपको बता रहा है कि पॉलिटिक्स के अंदर गुंडे जो है वो भरे पड़े हुए हैं, क्रिमिनलाइजेशन हम लोग को पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर आर्टिकल है, राइट। कि अभी जैसे कि बिहार का एक डिसीजन है, हम लोग को देखने को मिला कि एक वहां पे एक आरोपी था, मर्डरर हम लोग को देखने को मिला था, जिसका नाम है आनंद मोहन, जिसने एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो है वो मार दिया था, डीएम को, कलेक्टर को जो है वो मार डाला, एक यंग आईएएस ऑफिसर को 1994 में। इसको पहले इनिशियली जो है वो कैपिटल पनिशमेंट मिली थी। अब कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सजा। इसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी थी, फिर बाद में सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर बाद में जाकर इसको हम लोग को देखने को मिला कि आजीवन कारावास में इसकी सजा जो है वो कम कर दी गई। तो आपको याद आ रहा होगा कुछ पर्टिकुलर पावर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, स्पेशली प्रेसिडेंट गवर्नर के हाथ में होती है, राइट। कौन सी पावर्स हम लोग को देखने को मिलती है प्रेसिडेंट गवर्नर के हाथ में? अगर हम बात करें जुडिशियल पावर्स के बारे में, जो मैंने भी आपको पढ़ाया था कुछ दिनों पहले, बताओ एक एक करके बताते जाओ। पार्डन, माफ करने की सजा, कम्यूट, रिस्पाइट, और क्या क्या है, दो और पावर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, पार्डन, कम्यूट, रिस्पाइट, रेमिशन, राइट, रेमिशन, और एक और हम लोग को है, एक और जो है वो देखने को मिल रही है, उसको एक बार कवर कर लेना, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो ये पावर्स है, राइट, तो जो हम लोग को प्रेसिडेंट और गवर्नर के हाथ में देखने को दी, कुछ दिनों पहले मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसमें इनकी सजा जो है वो कम कर दी गई, मतलब नेचर जो है वो चेंज कर दिया गया, मौत की सजा को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया गया, और अब उनको छोड़ने की जो है बात की जा रही है। अब उनको छोड़ने के लिए बिहार ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज किए जो सही नहीं है। इवन ये भी कहा गया कि भाई हम तो उसके अच्छे आचरण के लिए छोड़ रहे, होता है ना ये, कोई कैदी का आचरण अगर अच्छा होता है तो उसको फिर थोड़े समय बाद छोड़ भी दिया जाता है, बट एक्चुअल में ये हुआ था कि 2021 में इसका आचरण अच्छा नहीं था, इसके पास से मोबाइल फोन जो है वो जब्त हुए जेल के अंदर, सोचिए। तो ये सब चीजें हैं जो एक थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रही हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर अभी भी हम लोग को बहुत ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिल रहा है, जिसको हम लोग को जो है वो बंद करना है, खत्म करना है। यानी कि इस पर्टिकुलर पूरे आर्टिकल में जो मेन जो गेम है वो क्रिमिनलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स का है, तो इसी को बस आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये सब स्टोरी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट हाँ पता तो होनी चाहिए इस प्रकार की चीजें। कम्यूटेशन तो बोल दिया था शायद मैंने, कम्यूटेशन बोल दिया था, रिस्पाइट, रेमिशन, कम्यूटेशन, पार्डन, और एक और है। चलिए अब देखिए इसमें, अब एक चीज आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में पता होगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के तहत अडानी के ऊपर जो है वो आरोप लगाया गया था। किस चीज का आरोप जो है वो लगाया गया था अडानी के ऊपर, कि यार ये स्टॉक्स के साथ जो है वो छेड़खानी कर रहा है, राइट। हाँ, रिप्राइव है, वेरी गुड गीता, रिप्राइव, रिस्पाइट, पार्डन, कम्यूटेशन और रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, रेमिशन, पार्डन, कम्यूटेशन, ये पांच चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो तो अडानी के ऊपर जो है आरोप लगाया गया कि स्टॉक के साथ जो है छेड़खानी जो है वो करता है अपने बेनिफिट के लिए, जो कि इलीगल है। हालांकि अभी आज की डेट में अडानी यही कर रहे हैं, अडानी ने जो है वो आपको बता हुआ बाय बैक डेट, याद आ रहा है हमने इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि डेट जो है ये जितने भी इनके डेट थे यानी कि वो वापस जो है वो खरीद लेंगे, मतलब इन लोगों ने जितने को भी बॉन्ड्स दिए थे, डेट बॉन्ड्स दिए थे, वो वापस जो है वो खरीद लेंगे ये, जिससे कि पब्लिक के बीच में कॉन्फिडेंस जो है वो बने। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो है वो स्टडी कर रही है सेबी,
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी जो है बनाने की बात करी थी कि भाई एक कमेटी बनाई जाए जो कि इस पूरे मुद्दे पर जो है वो जांच करे। तो अभी इनको थोड़ा सा और जो है वो समय चाहिए, एटलीस्ट बताया जा रहा है कि 6 महीने और इनको जो है वो चाहिए, जिस उसके बाद फिर ये सामने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तो ये बस छोटी सी चीज थी, उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। ये ओपिनियन वाला टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो हमारे लिए उतना कुछ खास काम का नहीं होता ये। अब देखो लाडली बहना योजना आई है, इससे रिलेटेड नोट्स लिखवा देता हूं मैं आपको। तो मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा लाडली बहना योजना से रिलेटेड। अब जो जो भी चीजें हैं ध्यान से जो है वो सुनिएगा। लाडली बहना योजना, तो पहला पॉइंट ये क्या है, मध्य प्रदेश की स्कीम है। पहला पॉइंट ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। दूसरा पॉइंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, अब स्कीम में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक व्यक्ति को, तो उसका जो है वो उसके पास समग्र पोर्टल में, समग्र पोर्टल में क्या होना चाहिए, उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्लस आधार कार्ड, आधार कार्ड होल्डर होना चाहिए, प्लस और क्या चाहिए, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर और ई केवाईसी उनको करवाना पड़ेगा आधार लिंक करके। फिर बैंक अकाउंट उनका होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा, राइट, और बैंक अकाउंट का लिंक होना चाहिए आधार के साथ, ठीक है। तो ये चीज तो डॉक्यूमेंट इन लोग को चाहिए स्कीम के अंदर। अब स्कीम का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सेल्फ रिलायंस, महिलाओं को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना, जिससे और इसमें महिलाओं की हेल्थ इंप्रूव होगी। हेल्थ इंप्रूव कैसे होगी, महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं ये माना जाएगा कि महिला उस पैसों का जो है वो अपनी न्यूट्रिशन पर जो है वो ध्यान जो है वो देंगी, न्यूट्रिशन पर ध्यान देंगी। नेक्स्ट हम लोग को महिला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनेंगी। नेक्स्ट इसमें इनकरेज किया जाएगा महिलाओं को, इनकरेजमेंट या एम्पावरमेंट लिख देता हूं, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट होगा इससे। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव अपन ने पॉइंट वाइज जो है वो लिख दें, क्या ऑब्जेक्टिव है, 1, 2, 3 और 4, चार ऑब्जेक्टिव हमने इनके लिख दिए हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कहाँ पर अवेलेबल है, ग्राम पंचायत पे या वार्ड ऑफिस पे, लोग अपने वार्ड के ऑफिस पे जाकर ये फॉर्म ले सकते हैं। पोर्टल एप्लीकेशन पर यह वेबसाइट भी है इनकी, जहां पर जो है वो जाकर इनरोल किया जा सकता है। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा उस समय महिला की फोटो जो है वो ली जाएगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर जो है वो महिला को मिल जाएगा जैसे ही वो हो जाता है। तो अब इसमें किनको बेनिफिट मिलेगा, लोकल रेसिडेंट, लोकल होना चाहिए मध्य प्रदेश का, मैरिड होनी चाहिए, विडो भी चलेंगे, राइट, डिवोर्सी भी चलेंगे, ठीक है। एबंडेंट महिला भी हम लोग को जो देखने को मिलती है, इनको छोड़ दिया जाता है घर वालों के द्वारा, लोकलाइज होनी चाहिए और ये सब कंडीशन महिलाओं की है, राइट। नेक्स्ट 23 to 60 years, 23 साल से 60 साल की उम्र इसमें हम लोग को देखने को मिल रही है। इसमें और क्या चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, एनुअल इनकम, एनुअल फैमिली इनकम, लेस देन 2.5 लाख,
सभी के लिए स्कीम नहीं है ये, लेस देन 2.5 लाख और कोई भी मेंबर इनकम टैक्स प्लेयर नहीं होना चाहिए, पेयर नहीं होना चाहिए, नो इनकम टैक्स पेयर इन फैमिली, और कोई भी मेंबर जिसकी फैमिली एम्प्लॉयड है, रेगुलर या परमानेंट वर्कर है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, राइट, तो उस पे जो है वो नहीं होना चाहिए, राइट, और जिसको मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए फैमिली में कोई भी, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। अब स्कीम में बेनिफिट क्या मिलेगा, 1,000 रुपए पर मंथ महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, राइट। अगर वुमेन की एक फैमिली है, वो वुमेन 60 साल से कम की उम्र की है, जिनको 1,000 रुपए पर मंथ से कम मिल रहे हैं सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत, तो उस महिला को जो है वो 1,000 रुपए जो है वो मिलेंगे। तो अगर महिला ऑलरेडी किसी सोशल सेक्टर स्कीम में जो है वो इनरोल्ड है, तो उसको जो है वो 1,000 रुपए तक जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो आप तो बस ये ध्यान में रखो, 1,000 रुपए हर मंथ जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, बस इतनी चीजें काफी है, मोर देन सफिशियंट है, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो हम बात कर रहे हैं लाडली बहना योजना के बारे में। तो पहला पॉइंट, ये मध्य प्रदेश की जो है वो स्कीम है, क्या ये मध्य प्रदेश की जो है वो स्कीम है। दूसरा पॉइंट, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको इस योजना में, योजना से जुड़ने के लिए। तो समग्र पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और फिर उस मोबाइल EKYC आपका होगा, यानी कि उसी समय एप्लीकेशन के समय पर OTP जाएगा मोबाइल पर। फिर बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए जो आधार के साथ लिंक होना चाहिए। अब क्या ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम के, तो पहली चीज तो महिलाओं को जो है वो आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। महिलाओं को जो इस स्कीम के तहत बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 1,000 रुपए हर महीने जो महिलाओं को मिलेंगे, उससे महिला जो है ये माना जाएगा कि वो अपनी हेल्थ पर जो है वो फोकस करेंगी, उससे महिलाओं का न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव होगा। फिर बताया जा रहा है कि इससे महिला जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेगी, आर्थिक तौर पर स्वतंत्र जो है वो बनेंगी, और महिला सशक्तिकरण इससे होगा, वुमेन एम्पावरमेंट इससे हम लोग को देखने को मिलेगा। अब किन किन लोगों को ये स्कीम मिलेगी, तो सभी के लिए स्कीम नहीं है। सिर्फ पहली चीज तो लोकलाइज होना चाहिए मध्य प्रदेश के, दूसरी चीज मैरिड, विडो, डिवोर्सी या एबंडेंट, जिनको घर वालों ने निकाल दिया है, तो इन्हीं के लिए ये स्कीम जो है वो अवेलेबल है। इनकी उम्र 23 से 60 साल के बीच की होनी चाहिए, उनकी एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम, पूरा परिवार जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं कमाना चाहिए, परिवार में कोई भी इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, परिवार में किसी के पास भी सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए, ना सरकार से रिलेटेड जो सरकारी कंपनी में भी जॉब नहीं करना चाहिए परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो ये सब चीजें जो होंगी उस चीज के आधार पर स्कीम का बेनिफिट जो है मिलेगा, यानी कि 1,000 रुपए पर मंथ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और आप जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं ऑनलाइन या अपने वार्ड जो ऑफिस है वहां पर जाकर, या ग्राम सभा पंचायत ऑफिस पे जाकर जो है वो रजिस्टर करवाया जा सकता है लाडली बहना योजना के लिए। चलिए, तो हम लोग को न्यूज क्या देखने को मिल रही है, 1.25 करोड़ वुमेन जो है वो रजिस्टर्ड हुई है इस स्कीम के अंदर। फिर बताया जा रहा है कि रिमूविंग कंसेशन ऑफ सीनियर सिटीजन लेड टू अ राइज इन रेवेन्यू। अच्छा, आपको पता नहीं कि आजकल रेलवे जो है वो सीनियर सिटीजन को कंसेशन नहीं दे रहा है, तो उससे रेलवे का जो है वो रेवेन्यू बढ़ गया 2,242 करोड़। फिर मनरेगा, इनएक्टिव जॉब कार्ड्स मनरेगा के तहत जो है वो बिहार ने कैंसिल कर दिए, करीब 1.23 करोड़ ऐसे कार्ड थे जो इनएक्टिव थे, काम नहीं चल रहा था उस पर, तो उसको हटा दिया गया। मनरेगा के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो ये सब टॉपिक अपने YouTube चैनल पर मिल ही जाते हैं, अगर आप सर्च करेंगे अपने YouTube चैनल पर जाकर, या मनरेगा लिखकर आगे छासर अकेडमी लिख दोगे तो आ जाएगा।
व्हाट्सएप ने जो है 4.7 मिलियन अकाउंट जो है वो बैन कर दिए हैं, राइट। अब ये अकाउंट जो है वो बैन किए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने। अब क्यों जो है वो बैन किए हैं अकाउंट, रिपोर्ट किया गया, राइट, अलग अलग चीजें। सूडान में तो स्थिति खराब है, आपको ऑलरेडी पता है, ऑपरेशन कावेरी हमारा चला था, ऑपरेशन कावेरी तो याद ही हो गया होगा। तो सूडान से लोग जो है वो काफी ज्यादा भागे हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में। अब देखो, एंटी एस्पियोनेज लॉ क्या होता है? देखो, एस्पियोनेज इसमें स्पाई छुपा हुआ है, स्पाई मतलब जासूसी, कि कोई जो है वो जासूसी ना करे देश के हित के लिए, या देश के हित के अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए कोई भी चीज, राइट, कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाए। तो चाइना जो है वो भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपना एंटी एस्पियोनेज लॉ। क्यों स्ट्रॉन्ग जो है वो कर रहा है? क्योंकि देखो, चाइना जो है वो आपको पता है टेक्नोलॉजी में आगे है, बहुत सारी डिवाइसेस वगैरह बनाते हैं, खुद ही स्पाई करता है, खुद निगरानी रखता है, तब कुछ नहीं। बट अब इसको डर है कि काफी सारी कंपनीज जो है चाइना के अंदर, वो बहुत सारी यानी कि अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंपनीज के डेटा को जो है वो हैंडल करती हैं, और डेटा आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनको डर है कि कोई कंपनी जो है वो डेटा इस प्रकार से जो है वो लीक ना करवा दे, राइट, उससे कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए किसी प्रकार से चाइना का। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चाइना अभी एक एंटी एस्पियोनेज लॉ जो है वो लेकर आई है। बस ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसकी एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। नाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। अब देखो, ये है साइकेडेलिक सब्सटेंस। तो साइकेडेलिक सब्सटेंस क्या होता है? ये ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं, जो ये नशा ही होता है एक प्रकार का। साइकेडेलिक सब्सटेंस मतलब नशा, ड्रग्स, जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि एलएसडी हो गया, कोकीन हो गया, इन सब में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। क्योंकि देखो, एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति जो है वो शराब पीता है तो क्या हो जाता है, एकदम से या तो एकदम उत्तेजित हो जाएगा तेज एकदम, और फिर या तो एकदम लेजी हो जाएगा, राइट। तो शराब जो है वो कंट्रोलेबल है, बट ये सब चीजें कंट्रोलेबल नहीं है, क्योंकि ये माइंड को जो है वो एकदम से एक्टिवेट कर देती है, सुपर एक्टिव। सुपर एक्टिव मीन सुपर एक्टिव, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें होती है। इसमें आप अगर ये आर्टिकल एक बार गो थ्रू करेंगे, वैसे ये जरूरत नहीं है, वो मैं पूरी चीज आपको बता देता हूँ। जो आर्टिकल गो थ्रू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस सब्सटेंस को लेने के बाद, जैसे एलएसडी को लेने के बाद के एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ कैसा होता है। एलएसडी को लेने के बाद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये बात सच है कि आपको जो है वो, जैसे कई बार मैं आप लोग के साथ मजाक करता हूँ कि आपको स्क्रीन सुनाई दे रही है और आवाज दिखाई दे रही है क्या, कई बार करता हूँ ना मैं। एलएसडी लेने के बाद यही होता है, आपको जो है वो आवाज का विजुअल फॉर्म जो है वो दिखाई देता है। मतलब समटाइम्स इट हैपन कि सामने वाले ने कुछ बोला है, उसके टेक्स्ट आपको हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं ऑटोमेटिकली। ये मतलब एक अलग दुनिया में आप रहते हो फिर, मतलब इन द सेंस कि अचानक से आप अगर कुछ चीज सोचोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने सोचा, आप कोई मूवी देख रहे हो, जैसे कि कौन सी लाइफ ऑफ पाई चल रही थी उस समय, तो आप मूवी जो है वो देख रहे हो और उसमें आपको लगेगा कि पूरा 3D क्या पूरा 45D 70D आ जाएगा, मतलब आप घुस जाओगे उस मूवी के अंदर, आप खुद ही उस मूवी को एक्सपीरियंस कर रहे होगे। तो वो ये चीज करा देता है, वो भाव नहीं है रविंद्र, ये भाव नहीं है, लोग परछाई से डरने लगते हैं अपने। ये ऐसा भी होता है समटाइम्स इट हैपन कि आप चल रहे हो, आपने अपनी परछाई देखी, आपको लगा कि कोई मेरे साथ चल रहा है, और अब घबराओगे और भागोगे, ऐसा होता है। आप जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में भले ही आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत ही स्लो हो, बट ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में भाग रही है, 400-500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में, ऐसा होने लगता है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है, और इसके मेडिसिनल यूज भी होते हैं, एनेस्थीशिया वगैरह में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, सुन करने के लिए किसी चीज को, राइट। तो बहुत सारी इसकी वाली प्रॉपर्टीज भी। आपको एक चीज और शायद पता होगी कि हिटलर ने जो है वो अपनी आर्मी को भूखा रखा था, और उसको ड्रग्स पे रखा था, और स्पेशली जो ये ड्रग था वो एलएसडी था। हिटलर जो था वो अपनी आर्मी को भूखा रखता था और ड्रग्स में रखता था, और क्योंकि देखो ये इस चीज इस सब ये सब्सटेंस जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये ब्रेन को हिट करता है, और जहां इसने ब्रेन को हिट किया तो आप थोड़ा सब हो जाएंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है थोड़ा ड्राई व्राई करने की, क्योंकि इन सब, हालांकि आर्टिकल में लिखा है कि इन सब चीजों की लत लगती नहीं, बट लत लग जाती है। इंसान उस दुनिया बार बार उस दुनिया में घुसना चाहता है,
भले उसके साथ कितनी भी बीटी क्यों ना हो गई हो। एनीवेज, तो ये एक छोटा सा टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। गवर्नमेंट ने 14 मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो बैन कर दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी रीजंस के कारण। तो काफी सारे मोबाइल एप्लीकेशन इसमें हम लोग को जो है वो अलग अलग देखने को मिल रही है, जैसे कि फायरफ्लाई जिसका उपयोग हांगकांग ने जो है वो किया था प्रोटेस्ट के दौरान, राइट। फिर एक नैंड बॉक्स या नंद बॉक्स करके एक हम लोग को प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, जिस प्लेटफॉर्म के तहत कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना खुद की मैसेजिंग एप्लीकेशन बना सकता है, इसको भी बैन कर दिया है। जैसे स्नैपचैट का तो नाम आपने सुना होगा, स्नैपचैट भी जो है वो बैन हो गई है। मतलब जितनी भी ऐसी चीजें जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोवाइड कराती है तो उसको एप्लीकेशन को बैन कर दिया है, राइट। क्योंकि ये माना जा रहा है कि टेररिस्ट ग्रुप जो है वो इन एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन के लिए। फिर फ्रंट पेज, ये सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सेडिशन लॉ, तो मुझे बताएगा कि सेडिशन लॉ जो है, सेडिशन का मतलब क्या होता है पहली चीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको आईपीसी लिख लो, आईपीसी 124A ये ध्यान में रखना है, आईपीसी 124A इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A जो है उसके तहत जो है वो आता है सेडिशन। सेडिशन का मतलब क्या है कोई समझाएगा? कोई भी व्यक्ति बोलकर लिखकर साइन के थ्रू विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू क्या चीज करता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है तो उसको सेडिशन के तहत जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई है वो कर दी जाती है। ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैं इसको अलग से भी लिखवा देता हूं आपको। तो सेडिशन लॉ क्या है, हालांकि इस टॉपिक को पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है बट शॉर्ट नोट्स लिखवा दूं। पहला आपको अच्छे से ध्यान रखना है आईपीसी का सेक्शन 124A, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है क्या कि कोई भी व्यक्ति वर्ड बोलकर बाय वर्ड राइटिंग लिखकर साइन के थ्रू सिंबल के थ्रू या किसी भी प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाता है तो उसको सेडिशन के तहत जो है वो बुक कर लिया जाता है। सेडिशन एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल जो है वो आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, इसमें 3 साल अप टू 3 इयर्स की जेल है, 3 साल तक की जेल जो है वो इसके अंदर नजर आएगी, राइट। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, 3 साल, सॉरी, 3 साल से, 3 साल से लाइफ इंप्रिजनमेंट। आजीवन कारावास, 3 साल मिनिमम, सोचो आप, ठीक है। और जिस अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसकी गवर्नमेंट जॉब भी चली जाएगी, राइट। ठीक है, बस ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, स्टेट सही तरीके से काम करें उस पर जो है ये बात करता है, ठीक है। और कुछ मैं आपको इसके बारे में बताऊं थोड़ा सा, हिस्ट्री में रहो अपन चलते हैं, ये कानून हिस्ट्री की बात करता है। ये कानून जो था वो ओरिजिनली ब्रिटिशर्स के पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में हम लोग को देखने को मिला, जिसको ड्राफ्ट किया था किसने, थॉमस मैकॉले ने। और मैकॉले, इफ यू रिमेंबर, सिविल सर्विसेज में भी इसका योगदान है। 1837 में थॉमस मैकॉले ने जो है वो इसको ड्राफ्ट जो है वो किया था, राइट।
1860 में आईपीसी के अंदर देखने को मिला, इनेक्टेड, लागू हुआ आईपीसी के अंदर सेक्शन 124A, ये जो है वो 1870 में डाल दिया गया ये सेक्शन, राइट। और इसको जेम्स स्टीफन ने जो है वो अमेंड जो है वो किया था, आज की रेट में आईपीसी के 124A के अंदर ये जो है वो डाला हुआ है। बस ये चीज है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिए आप। अब एक बार रिवाइज करवा देता हूं, तो हम लोग सेडिशन लॉ के बारे में जो है वो कवर कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेडिशन लॉ। ये कानून है क्या? तो देखो ये कानून सबसे चीज, पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी, आईपीसी के सेक्शन 124A में ये आता है, कोई भी व्यक्ति कहकर, लिखकर, साइन लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल के थ्रू या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं, यानी कि ऐसी कोई अगेंस्ट, मतलब ये प्रोटेस्ट वाला नहीं है किसी चीज का, मतलब ऐसी चीज कर रहे हैं कि तोहिन की जा रही है अननेसेसरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वर्किंग जो है उनके जो कामकाज है उस पर बाधा डाला जा रहा है, या जनता के बीच में जो है वो नफरत फैली जा रही है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट, तब उस व्यक्ति को जो है वो आईपीसी की धारा 124A के तहत बुक कर लिया जाता है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बेल मिलने का चांस ही नहीं है, कम से कम 3 साल की सजा और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास, तो इसमें ये है सजा के तौर पर। और इसमें जैसे कि आर्टिकल 19 के बारे में आपको पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 19, जिस जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो उस पर सेडिशन लॉ एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि भाई आपको हर कुछ नहीं बोलना है, राइट, बोलो उतना कि जितना रिक्वायर्ड हो, जितने आपके दायरे में हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप हर कुछ जो है वो बोल सकते हो। इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको थॉमस मैकॉले ने पहली बार ड्राफ्ट किया था 1837 में, इस कानून को आईपीसी के अंदर 1860 में इसको इंक्लूड कर लिया गया, और फिर सेक्शन 124A अलग से इसके लिए बना दिया गया 1870 में, और फिर तब से लेकर अभी तक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये कानून एक्टिवेटेड है, ब्रिटिशर्स पीरियड का ये कानून हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, सेडिशन लॉ। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी पॉलिटिकल न्यूज वगैरह है, सीबीआई ने बुक कर लिया 2 सस्पेंडेड एनआईए ऑफिशियल को एक्सटॉर्शन के लिए, तो ये भी न्यूज आती रहती हैं, तो अपने लिए काम की नहीं है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, बिहार के बाद अब ओडिशा भी सर्वे जो है वो शुरू कर रही है। मीटी कम्युनिटी, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि मीटी कम्युनिटी जो है वो कहाँ की है, तो मणिपुर, बस ये ध्यान में रखना, मणिपुर मीटी कम्युनिटी मणिपुर की, ये मैताई कम्युनिटी, ठीक है। अब दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आरोप ये लग रहे हैं, अच्छा ये भी आया नहीं आपके पेज पे, थोड़ा स्लो चल रहा है, फाइल कई बार बड़ी रहती है तो ये थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है आने दो। मीटी कम्युनिटी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मीटी कम्युनिटी कहाँ की है, अब देखिए हम लोग रशिया से तेल खरीदते हैं, क्रूड ऑयल, उसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं और उसको यूरोप में बेच रहे हैं, तो इंडिया जो है वो लॉन्ड्रिंग कर रहा है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना, राइट, इलीगल तरीके से आप जो है वो ये हरकत कर रहे हो, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का सैंक्शन लगा हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के रखा हुआ है कि रशिया से कोई सामान हम नहीं परचेज करेंगे, राइट, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो उस चीज के लिए तो हो ये रहा है कि हम जो है वो ये जो सैंक्शन जो है उसका यूरोपियन यूनियन का, उसको ब्रेक करके रशिया से ऑयल लेकर आ रहे हैं और ऑयल की रिफाइनिंग करके यूरोप में जो है वो बेच रहे हैं। तो ऐसा काम कर रही है 5 कंट्रीज, इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई और सिंगापुर। तो यही चीज हम लोग न्यूज में एक रिपोर्ट के थ्रू जो है वो नजर आई, जिसका एक आपको जनरल सा आइडिया जो है वो होना चाहिए।
ये रेसलेस का टॉपिक है, ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज। ये कितनी बढ़िया बात हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं, सक्सेस ऑफ एन इनिशिएटिव लाइज ऑन इट्स इंपैक्ट अपॉन पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। कि कोई भी स्कीम हो, कोई भी इनिशिएटिव हो, ये इंपॉर्टेंट है कि पहली चीज की उसका प्रभाव जनता में क्या पड़ रहा है, और दूसरी चीज कोई भी स्कीम सक्सेसफुल होगी जनता की मदद से ही, बिना उनके नहीं हो पाएगी। स्वच्छ भारत अभियान पब्लिक पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट है हर एक स्कीम में, आप देखेंगे अंटिल अनलेस पब्लिक इज नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सूडान ऑपरेशन कावेरी हमारा चल रहा है, आशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज आपका एक टास्क है, आशियान कंट्रीज के बारे में पढ़िए और उन कंट्रीज के नाम आज के आज ही याद कर लीजिए, ये आपका टास्क है। 10 आशियान कंट्रीज हैं, नाम याद आज के आज ही है वो कर लीजिएगा। तो ये बताया जा रहा है कि सिंगापुर में ये एक्सरसाइज हो रही है, आशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। स्टेट पीएससी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, कैलकटा हाईकोर्ट के नए सीजेआई चीफ जस्टिस, सीजेआई नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, ठीक है। अगर चार्जशीट जो है वो टाइम पर जो है फाइल होती है तो डिफॉल्ट बेल का कोई वो नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 167 सीआरपीसी का, सेक्शन 167 सीआरपीसी का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, जनरल चीज बस ध्यान में रखो कि इसमें सिंपल सी चीज ये है कि अगर कोई अगर चार्जशीट पता ना आपको क्या होता है, पुलिस वाले जो होते हैं एफआईआर दर्ज करते हैं, एफआईआर के बाद वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर अपनी डायरी जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। तो ये डायरी है पुलिस के पास रहती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी उस कैदी को पकड़ लिया या संदेह में किसी को पकड़ लिया, क्योंकि कोई व्यक्ति क्रिमिनल जब तक नहीं होता जब तक कोर्ट डिक्लेयर ना करे, बट उसको पकड़ कर जेल में तो बंद कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप टाइम पर चार्जशीट जो है वो फाइल नहीं कर रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति को मैं बेल दे दूंगा। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए, राइट। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो फेल हो जाती है, वो फाइल नहीं कर पाती, तो ये कह रहे हैं। और हालांकि हाँ कुछ पर्टिकुलर अपराध के लिए 90 दिन तक का टाइम जो है वो दिया जा सकता है, यानी कि कोई हीनियस ऑफेंस है, राइट, बहुत ही गंभीर अपराध है, तो उसके लिए 90 दिन तक का टाइम मिलता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, यानी कि पुलिस को चार्जशीट फाइल करने के लिए, पुलिस या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो भी है, जिनको भी वो दिया हुआ है केस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई, एसआईटी, किसी को भी दिया है, एसटीएफ, ठीक है। तो 60 दिन नॉर्मल पीरियड, 90 दिन स्पेशल केसेस में। तो ये चीज बस आपको पता होनी चाहिए। पूरे इससे ऊपर जाएगा तो मैं सामने वाले को बेल दे दूंगा, वो एटलीस्ट बाहर निकले, क्योंकि बेजबरन बेचारे को अगर आरोपी नहीं, अपराधी नहीं है, वो फालतू बैठा हुआ है जेल के अंदर, ठीक है। बस बाकी कुछ खास न्यूज नहीं है आज, ये इंटरनेशनल न्यूज भी हमारे लिए नहीं है, काम की बस यही है कि रशिया ने फिर अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट रेफरेंडम जीत गए कि फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, रेफरेंडम का मतलब जनमत संग्रह, रेफरेंडम जनमत संग्रह, यूनाइटेड नेशन बातचीत कर रहा है अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में, तो वो अभी उतनी कुछ खास काम की जो है वो न्यूज आई नहीं थी। स्टेम का मतलब होता है, अच्छा ये अभी पीछे ही चल रहा है, स्टेम का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो रिटेल सेक्टर जो है वो हायर कर रहा है महिलाओं को इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यूएई के साथ हमारा ट्रेड जो है वो अच्छा हुआ है, 12% की दर से जो है वो ग्रो किया है, तो ये बस एक बेसिक फैक्ट इंडिया यूएई रिलेशनशिप के हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही था, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। 10-15 मिनट के हम शुरू कर रहे हैं, 9:15 मैक्सिमम 9:30, मैं आपको एक मैसेज जो है वो ड्रॉप कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में कि जीएस क्लास जो है वो शुरू हो गई है। तो बस 15 मिनट आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लो, मैं भी ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, फिर जीएस की क्लास चालू करते हैं, ठीक है, जय हिंद।